सो वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे एस सी वर्मा चैप्टर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। क्या बोला है कि एन एनसीसी परेड इज गोइंग ऑन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। क्या बोला है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ऐसे मैं हिंदी में ही समझाता हूँ कि एक एनसीसी परेड चल रही है भाई। ठीक है, तो क्या होएगा, बहुत सारे कैडेट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बोला है कि ये जो एनसीसी परेड चल रही है वो एक बेरी ट्री के नीचे चल रही है। ठीक, तो बेरी ट्री बना लेते हैं अपन फोटो में अपनी, ये अपनी पेड़ हो गया। ठीक, अब क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स, अच्छा सॉरी, अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। बोला है कि एक बर्ड है, चिड़िया है, जो कि 12.1 मीटर की हाइट पे बैठी है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ, ये जो हाइट है वो अपने को 12.1 मीटर दी हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी, ये रही वो बेरी, किसी इंस्टेंट पे बर्ड बेरी को ड्रॉप कर दी, गिरा दी। ठीक है, विच कैरेट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट। सवाल को मैं एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ यार, देखना। अब क्या है ना कि इन लोग जा रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, ये चिड़िया क्या की, किसी इंस्टेंट पे बेरी को गिरा दी। सवाल में ये पूछा है कि ये जो बेरी है वो किस पे पड़ने वाली है। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, सबके सब परेड कर रहे हैं। सवाल में क्या पूछा है, ये जो बेरी है वो किस पे पड़ने वाली है। ये याद रखना कि इन सभी कैरेट्स को पॉइंट मास मानना है, इनकी बॉडी के डायमेंशंस को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सवाल में क्या दिया हुआ है ये सुनना। सवाल में ये दिया हुआ है कि जिस भी कैंडिडेट पे ये बेरी पड़ने वाली है थोड़ी सी देर बाद, उस कैंडिडेट की अभी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि लेट से इस पे पड़ने वाली है बेरी, तो अभी सोचो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डी मान लेते हैं अपन। तो बेसिकली ये डिस्टेंस डी निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बैरी गिर जाएगी तब ये आदमी यहाँ पहुँच जाएगा, तो बैरी और ये आपस में टकरा जाएंगे। पूछा है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। ठीक है, चलो, तो अब ये अब क्या क्या दिया है आपने को सवाल में। सबसे पहली बात तो भाई, बैरी को ड्रॉप किया गया है तो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला यार सीधा साधा है, कितना होता है, √2h/g। याद रखना, ये बहुत ही मैंडेटरी फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 2 × 12.1 / 9.8 सेकेंड्स। सेकेंड्स में ही आएगा आंसर। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही में है, और अब वहाँ पर सेकेंड में है, यहाँ पर अच्छा करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी हुई है, स्पीड कांस्टेंट दी हुई है, यूनिफॉर्म लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू सिंपली टाइम। तो बेसिकली डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड को अपन पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 6 × 5/8 मीटर पर सेकेंड, 5/18, तो ये बेसिकली आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम आ गया, सॉरी स्पीड आ गई, टाइम आ गया, सिंपली इंटू करना है, मैं कर रहा हूँ। ये कितना है, 5/3, टाइम कितना दिया हुआ है, √2 × 12.1 / 9.8। साफ साफ दिख रहा होगा, कैलकुलेशन उठपटांग है, पर ध्यान क्या रखना है, ये एस सी वर्मा का सवाल है, एस सी वर्मा में हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेई में कभी भी इतने कठिन या नीट में इतने भी कठिन कभी भी कैलकुलेशन आते नहीं है। ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेशन में पीएचडी नहीं करनी है, कैलकुलेटर नहीं बनना है, सिर्फ लॉजिक टेस्टिंग होती है, वहाँ पर नॉलेज टेस्टिंग होती है। ठीक है, पर एस सी वर्मा में अगर कोई उठपटांग कैलकुलेशन आती है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो मैं सॉल्व किया हुआ हूँ, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ। आंसर है 2.619 मीटर। ठीक है, और पीछे बुक में वो सॉल्यूशन वाला सेक्शन जो है वहाँ पर उसने 2.62 लिखा हुआ है, तो वो अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया है उसने, 6.2 मीटर।
मतलब एस सी वर्मा जी ने जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट करके 2.62 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था यार, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।